ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत देव माता देहूति जो नित्य सिद्ध भगवान की माता है कपिल देव की, अपने पुत्र कपिल देव को परम अद्भुत सांख्य भक्ति युक्त दर्शन का उपदेश सुनने के बाद सुनकर संतुष्ट और प्रबुद्ध होकर जो प्रार्थना कर रही है, उसके छठे श्लोक का कल हम पाठ कर रहे थे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ना है। वो छठे श्लोक का भाव ये है, यन्नामधेय शरणानुकीर्तनात् यत् प्रहरणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतस्पुनस्ते भगवन्नो दर्शनात्। भगवान आपके दर्शन का कितना बड़ा सौभाग्य है, इसकी महिमा क्या कहें। केवल आपका नाम कोई स्मरण करे, उसका कोई श्रवण करे, कोई आपको प्रणाम करे, कोई एक बार भी क्वचित आपका नाम उच्चारण कर ले, वो चाहे चंडाल के घर में जन्म लिया हो, वेद के यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। ये कल श्लोक हमने पढ़ा था। देवहूति माता जी अपनी अनुभूति बता रही है सांख्या भक्ति युक्त सांख्या दर्शन को अपने पुत्र कपिल देव के मुख से सुन के, जो उनकी अनुभूति हुई है, जो उन्होंने रियलाइज किया है, उसको वो प्रकट कर रही हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ जहाँ कल हमने छोड़ा था, श्रीधर स्वामी के भाव को देते हुए कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तत्काल वो पूजन्य हो जाता है। जैसे कोई वेद कराने वाला ब्राह्मण कोई बहुत बड़ा विद्वान पूजन्य है, वैसे जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता है वो पूजनीय हो जाता है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, केवल वो पाप से मुक्त नहीं होता है, नाम केवल पाप से मुक्त नहीं करता है, परंतु तत्काल ही इतना उसको पवित्र कर देता है कि वो भगवान के पूजन यज्ञ आदि करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो निश्चित रूप से उसके पुण्य होंगे, तब ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। परंतु ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद उसको वेद अध्ययन करना पड़ेगा, जनेऊ पहन के साधन करना पड़ेगा, तब ब्राह्मण का कार्य करेगा, नहीं तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, ब्राह्मण बंधु कहा जाएगा। परंतु जो भगवान का नाम ले रहा है, चाहे वो पाप जूनी है, पाप के कारण किसी चंडाल के घर में जन्म हुआ है,
लेकिन केवल भगवत नाम उच्चारण करने से वो पवित्र हो जाता है, ये कैसे है? तो यहां अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, ये शब्द जो श्रीधर स्वामी ने कहा है, इसका मतलब कि वो तत्काल पूजन्य हो जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ जाति ब्राह्मण है। जाति ब्राह्मण का मतलब कि जन्म से जो ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि भगवान के नाम हरे कृष्ण मंत्र जपने से निश्चित रूप से आपका शुद्धिकरण का शुभारंभ होता है, आप पवित्र होना शुरू हो जाते हो। परंतु फिर भी आपको जो है आगे कुछ पवित्रता की विधि विधान करना पड़ेगा, या दूसरा जन्म ब्राह्मण का लेना पड़ेगा। परंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान का नाम ले ले और उस नाम में कोई अपराध अगर नहीं हो, अपराध रहित नाम ले ले, तो तत्काल ही ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण से ही महान वैष्णव बन जाता है, पूज्यत्वम, वो पूजनीय हो जाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, जो एक बार ऐसे अचानक भगवान का नाम ले ले वो पूजनीय हो जाएगा, तो फिर जो निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं उनका क्या कहना, और जो भगवान को साक्षात आमने सामने देखने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, वो देवती माता कहती है उनके महिमा क्या कहें। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्राह्मण कैसे कोई बन सकता है? सामान्य रूप से दीक्षा जो है प्रमाणिक गुरु से जब प्राप्त होती है, और जब वो गुरु के शिक्षा के अनुसार नियमों का पालन करता है, श्रवण कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो फिर उसका पवित्रता का कार्य शुरू हो जाता है। और जब गुरु देखता है कि अब ये शुद्ध हो गया है, तो उसको जनेऊ देकर यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार करके और 100% ब्राह्मण के कार्यों का भार, उसको भगवान की पूजा करना है, विग्रह की पूजा करना है, वेद पाठ करना है, उसका अधिकार देते हैं। और श्री प्रभुपाद लिखते हरि भक्ति विलास में यही सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ऐसे दीक्षा से, गुरु की कृपा से और शिक्षा से उसमें ब्राह्मणत्व के गुण आ जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जप करने के बाद शुद्धि हो जाएगी, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण होने के बाद फिर आप सारे विधि विधानों का पालन करेंगे तभी आपको जो है ब्राह्मण का स्थान प्राप्त होगा अथवा ब्राह्मण माने जाओगे। परंतु यहां ये लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, आज अगर हम कहें कि ठीक है ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ है, ये तो अच्छी बात है, परंतु क्या उसके घर में उसने विधि विधान से वेद का अध्ययन किया है? क्या क्या उसने ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन किया है? क्या नहीं, बहुत से ब्राह्मण के घर में जन्म ले हैं लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण तो नहीं हुए। तो लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बात तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार का अर्थ होता है पवित्र करने का विधि विधान, हमारे 16 संस्कार जन्म से पहले शुरू होते हैं और अंत्येष्टि क्रिया तक सारे संस्कार को कहते हैं 16 संस्कार। उसमें पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार का मतलब माता पिता विवाह के बाद एक पूजा अनुष्ठान करके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कोई उत्तम भक्त आत्मा हमारे को संतान के रूप में आप प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, जो आपकी सेवा में हम लगा सकें, तो इसको गर्भधान संस्कार की एक विधि है। परंतु आधुनिक युग में गर्भधान संस्कार तो लोगों को भूल ही गया है,
तो फिर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ कैसे, जब संस्कार पहला ही नहीं हुआ तो उसमें का जन्म कैसे ब्राह्मण के घर में हुआ, उसका कोई महत्व कैसे हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आज ब्राह्मण केवल गुरु के परखने से कि इसमें ब्राह्मण के लक्षण है क्या, इसमें इंद्रियों का संयम है, मन शांत है, वेद अध्ययन में रुचि है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, सेवा का भाव है, प्रचार की इच्छा है, तो ऐसे को गुरु कृपा करके ब्राह्मण जनेऊ दे के पंचरात्र का विधि से द्वेज का मतलब दूसरा जन्म, एक जन्म हमारा माता पिता से होता है वो तो सबका ही जन्म है, पशु का भी होता है, मानव का भी जन्म होता है, वो बराबर है। दूसरा जन्म होता है गुरु पिता है और वेद माता है, वेद गीता माता है और भगवान और गुरु पिता है, इससे दूसरा जन्म होता है, उसको कहते हैं द्वेज, द्वेज का मतलब दूसरा जन्म। वैसे हमारे वर्ण आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब द्वेज कहलाते थे, इनका यज्ञोपवित संस्कार किया जाता था, लेकिन वो विधि विधान वो सब चला गया। एक नाम का कर देते हैं, जनेऊ डालते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बच्चे निकाल देते हैं, उसका कोई मर्यादा नहीं रह गई, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि जो शुद्ध ऐसे भगवत नाम जप रहा है, उसका हृदय शुद्ध हो गया है, तो उसको ब्राह्मण की दीक्षा दी जाती है, फिर आस्ते बढ़ते पढ़ते आगे वो वैष्णव लक्षणों से संपन्न हो जाता है। अब ये माता जी के दो और श्लोकों का आज पाठ करेंगे। अब माता जी आगे कह रही है, देव माता देवहूति, अहो बतस्व पचो अत गरियान यज्जीवाग्रे वरतते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वो संसुरार्या ब्रह्मानुचोर नाम गृणन्ति ये ते। अहो और बत, ये दो शब्द है आश्चर्य के, बहुत बड़ा आश्चर्य है, एस्टॉनिशमेंट है, सरप्राइज है, क्या बात है। स्वपचो, चंडाल, नीच जूनी वाला, कुक सुकर तो पूजने हो जाता है, महान हो जाता है, कब, यद जीवा अगरे वर्तते नाम तुभ्यम, जो अपने मुख जीभा के अगर भाग से, आगे के भाग से, पूरी जीभा से नहीं, आपके नाम का उच्चारण करता है, आपको प्रसन्न करने के लिए करता है, आपको पाने के लिए करता है, आपसे प्रेम करने के लिए करता है, तो समझ लेना, जान लेना, ते पतुस तपस्ते जोवह संसुर आर्य ब्रह्मानुचूर, उसने सारी तपस्याएं कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों का स्नान कर लिया और सारे वेद पढ़ लिए और आर्य का सदाचार सब उसने पहले ही पूरा कर लिया। कब कर लिया, बोला जिसके मुख से नाम उसी के मुख से निकलेगा जिसने ये सब पहले किया होगा, चाहे पहले किसी जन्म में किया हो या अभी किया हो तभी नाम निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता है नाम। ये जितने शब्द हैं, तेपतुस तपस्या संसुर, संसुर का मतलब स्नान करना, और जो वो हो का मतलब यज्ञ आदि करना, ये सब पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, इसका मतलब पहले हो चुके हैं। और जो नाम गृणंती शब्द है ये प्रेजेंट टेंस में है, अब जो जप रहा है इसने पहले सब कर लिया। और एक शब्द जो है इसमें वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि अब उसको उसको करने की जरूरत नहीं है, आगे करके समय 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 गंवाने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले ही हो चुका।
इसका सीधा एक लाइन में अर्थ है कि जिसकी जीभा से नाम निकल रहा है उसके सारे पाठ पूजा वेद तीर्थ यात्रा सब हो चुके, बस यही उसके लिए एक काम है जिससे वो अपने जीवन को सफल करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। अब हम श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ये आश्चर्य की बात है कि जिसके जीवा के अगर भाग में आपका नाम विद्यमान है वो चंडाल महान है। जो लोग आपके नामों का उच्चारण करते हैं उन लोगों ने ही तप किया है, होम किया है और तीर्थों में जाकर स्नान किया है, उन्हीं पूज्य पुरुषों ने वेदों का अध्ययन किया है। और भावार्थ में लिखते हैं, ये दो शब्द अहो और बत आश्चर्य के अर्थ में है। जिसकी जीवा के अगर भाग में आपका नाम विद्यमान है वो चंडाल भी उसी के कारण महान है, अथवा चूंकि उसके जीवा के अगर भाग में आपका नाम विद्यमान है उसी के कारण वो महान है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका जन्म नीच जाति में है। प्रभुपा जी के उदाहरण में हरिदास ठाकुर, वो मोहम्मदन के घर में जन्म हुआ लेकिन नाम का उच्चारण करते हुए महाप्रभु ने उसको नाम आचार्य की उपाधि दे दी। अब हम देखेंगे तात्पर्य में। रविदास चमार था लेकिन ठाकुर गोविंद की पूजा करता था, गोपाल का ठाकुर का विग्रह की पूजा करता था, चमार का जन्म था। सदना कासाई था। ऐसे बहुत से उदाहरण है, केवल भगवत नाम के उच्चारण से उनके जीवन में इतनी महिमा है कि उनके ये कबीर जी का इतना सारा नाम है वो भी एक कोरी था, कोरी का मतलब है कि कपड़ा बुनने वाला, ऐसा काम करने वाला। ये सब जातियों के हिसाब से ये पाप योनि थे, लेकिन कबीरा कबीरा क्या करे जा जमुना के घाट, एक एक गोपी की मटकी में लाखें लटके लाख कबीर, कि मुझे क्यों महान कह रहे हो। वृंदावन में जाके देखो जमुना के किनारे एक एक गोपी की मटकी पानी वाली में लाखों कबीर लटक रहे हैं। तो ये जो प्रेम के भक्त हैं ये सब इनका जाति का कोई बात नहीं है, इनके नाम से नाम निकल रहा है तो ये महान है, क्योंकि उन लोगों ने ही तपस्या की है, होम किया है, तीर्थों में जाकर स्नान किया है, तथा वही लोग सदाचार का पालन करने वाले हैं, आर्य हैं, तथा वेदों का अध्ययन किए हुए हैं। क्योंकि आपके नाम के कीर्तन के अंतर्गत ही तप आदि का अंतर्भाव है, क्योंकि ये यहां सब कुछ उसमें आ जाता है, वही कर सकता है, अतएव वे अत्यंत पुण्यवान है, वो बड़े महान है, पुण्यवान है। पुण्यवान है का मतलब उनका जीवन बहुत पवित्र है। अथवा जन्मांतर में उन लोगों ने ही तपस्या तथा होम आदि किया है, जन्मांतर में मतलब पहले जन्म में, तभी तो उसको अब भगवान का नाम उनके मुख से आया। कोई दोष रह गया इसके लिए, चंडाल के घर में जन्म मिला लेकिन भगवान के नाम में, इसको कहते हैं भक्ति में कोई रुकावट नहीं आ सकती दूसरे जन्म में। किसी कारण से शरीर का जन्म किसी ऐसे घर में हो चुका है लेकिन भक्ति उसमें लोप नहीं हो पाई। ये आपके नाम संकीर्तन रूपी भोग उद्योग के द्वारा ज्ञात होता है। बोला पता कैसे लगता है? बोला आपके नाम का संकीर्तन कर रहे हैं ना, इनका सौभाग्य देख के ये निश्चय हो रहा है कि ये सब इन्होंने पहले किए हैं, नहीं तो ये कर नहीं सकते थे ऐसे। तो ये है इस बात का, कहा जाए कि प्रूफ, प्रमाण है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कितनी महिमा है, कितना महान है वो सौभाग्यवान जिसके जीभा के अगर भाग पे आपके पवित्र नाम का उच्चारण हो रहा है। जन्म उसका किसी चंडाल जाति में हुआ है कोई बात नहीं, परंतु वो पूजनीय है। जो भगवान आपका नाम ले रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने सारे तप यज्ञ तीर्थ यात्राएं वेद अध्ययन
पूर्ण कर चुके हैं वो। अब चक्रवर्ती पाद भी यही बात लिखते हैं, लेकिन भावार्थ में लिखते हैं इतना ही नहीं है कि वो यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है नाम जपने वाला, ये पहले कहा चुका है, परंतु आगे कहा जा रहा है कि केवल यज्ञ करना नहीं, उससे आगे उसका महत्व क्या है, बड़ा आश्चर्य अहो बत उसकी जबान के ऊपर, जबान के अग्र भाग के ऊपर, जीवा अग्रे तुभ्यम नाम, वो केवल आया है पूरे जबान के ऊपर भी नहीं आया है और ठीक तरह उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, और वर्तते जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, अभी कर रहा है, पूरा नहीं है कर रहा है, एक बार जपा है, बहुत बार भी नहीं जपा है, आपके कई नाम तुभ्यम आपके जो बार बार जपता है उसकी क्या कहना, उसका क्या लाभ होगा, उसकी क्या महिमा होगी, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तुभ्यम का एक अर्थ है आपका, आपको प्रसन्न करने के लिए, और दूसरा है आपको वश में करने के लिए, इसका मतलब भगवान प्रसन्न भी होते हैं और भक्त के वश में भी होते हैं, किसके, जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसके भगवान वश में हो जाते हैं, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गरियान का मतलब है गुरु के समान हो गया, महान हो गया, पूजन्य हो गया, गुरु के उत्तम गुरु का पद के योग्य हो गया, ये दूसरों को मंत्र दीक्षा दे सकता है, लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, दीक्षा आदि देने का अधिकारी हो गया। तो फिर कोई कहे के पहले उसको यज्ञ आदि करने दो, पवित्र होने दो, फिर ये कार्य करे, बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने पहले ही ये कर लिए हैं, ये तो पहले हो चुके हैं, वही पूजा के, वही सम्मान के योग्य हैं, वही आर्य हैं। आर्य का मतलब सभ्य है, सभ्य का मतलब जो वेद के मार्ग में चलने वाले हैं उसको आर्य, जो वेद के विरुद्ध चलते हैं वो अनार्य। अनुचान है, अनुचान जो शब्द है ब्रह्म अनुचान, अनुचान शब्द का अर्थ है गुरु, शिक्षा देने वाला, वेदों के मंत्र का उच्चारण करने वाला, उसको कहते हैं अनु, अनु उच्चारण, अनु का मतलब निरंतर, अनु का मतलब अनुगामी बनकर किसी के पीछे चलकर उच्चारण करता है, शिक्षा देता है, उसके वो योग्य हो गया। और ये सब जो है, जैसे कहा कि ये शब्द तत्कालीन है, अगर कहा जाए कि निरंतर जप करेगा तब ये उसको ये महिमा प्राप्त होगी, ये उसका लक्षण माना जाएगा, तो कहेंगे ऐसा नहीं है, एक बार भी ले ले, ये पांचवें स्कंद के पहले अध्याय के 35वें अध्याय में है, 35वें श्लोक में है, न एवं विध पुरुषकार उर्कर्मस्य पुंसाम यद अंग्री रजसा जित षड़ गुणानां चित्रम विदुर विगत सकृद आदितः आदितः यन नाम धेयम अधुना स जाति बंधम। लिखा है ये आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, नाम कितना शक्तिशाली है, इसके आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिसने भगवान के चरणों के रज को, धूलि को सर के धारों पर धारण करके और छह ही इंद्रियों को के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, मन और पांच इंद्रियां, यही तो हमारा संसार में बंधन का कारण है। भगवद गीता में
मनसिष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और ऐसे कोई चंडाल भी है तो कर्म बंधन से एक बार भगवान का नाम लेने से मुक्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, निरअपराध नाम की महिमा छठे श्लोक में कही गई कि वो यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं इसके इससे किसी को ज्यादा विस्मित नहीं होना चाहिए, आश्चर्यजनित नहीं होना चाहिए। ये भागवत के शब्द हैं, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसके ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक उक्ति ऐसे आती है, एक कहावत ऐसे आती है, बातें ये सत्य हैं, सच हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए ये बातें सच हैं लेकिन सबके लिए नहीं। शास्त्र की बात सत्य है लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसे उदाहरण हैं इसलिए ये बात सत्य मानी जाएगी। कैसे एक बार भगवान का नाम लेने वाला ब्राह्मण से महान हो जाएगा, ये प्रश्न कोई उठाए तो इस संदेह को, इस डाउट को डिसिपेट करने के लिए जो लोगों के मन में ये श्रद्धालुओं के मन में, नास्तिकों के मन में, न मानने वालों के मन में जो ये विचार आता है, उनको मिटाने के लिए ये समझाना चाहिए कि ये अचानक नहीं हुआ है, इससे पहले इन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी तपस्या की है, बड़े यज्ञ किए हैं, सभी तीर्थों के अंदर जाके पवित्र नदियों का स्नान किया है, सारे वेदों का अध्ययन किया, ये सब हो चुका है। एक बार ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान विष्णु का दर्शन हो गया तो पंडितों की सभा बैठी, ब्रह्मण कहने लगे, एक तो बालक 5 वर्ष का, वेद पाठशाला में गया नहीं, गुरु के पास पढ़ा नहीं, नारद ने कृपा कर दी उसके ऊपर, तो इतना जल्दी भगवान का दर्शन कैसे हो गया, हम तो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आए, उनको एक नाव में बिठाया, कहा चलो आपको ये सुंदर सरोवर का दर्शन कराता हूँ, अथवा समुद्र में नाव को ले गए तो दूर एक सफ़ेद पहाड़ दिखाई दिया। सभी जो आपस में चर्चा कर रहे थे ध्रुव के महत्व की, वो कह रहे हैं कि ये पहाड़ कौन सा है महाराज, बोला ये सफेद पहाड़ देख रहे हो ना, ये ध्रुव महाराज के कई जन्मों के तपस्याओं की हड्डियों का बना हुआ पहाड़ है, हजारों लाखों सालों तक तपस्या की है, तब 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। दूसरी एक बात जो आपके सामने उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए बोलना चाह रहा हूं वो ये है, हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, बहुत बड़े सम्मान के साथ 56 भोग लगता है गुरु पूजा के समय, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, महिमा होती है। हर महात्मा के जीवन के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं, साधक का भाग और सिद्ध भाग। जिन्होंने साधक के भाग को देखा ही नहीं है, हम उदाहरण देते हैं परम पूज्य जयपिता का स्वामी महाराज, मायापुर मंदिर के निर्माण के समय रोज साइकिल के ऊपर चढ़ के मायापुर से कृष्ण नगर तक कोई 15-20 किलोमीटर से ज्यादा है जाते थे, सामान लेके आते थे। ये जितने महात्मा आज पूजन्य हैं, इन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी सेवा की है, कितना तपस्या किया है, कितने जगह जगह जाके पुस्तकों को वितरण किया है, ये हमने देखा नहीं।
हमने तो केवल उनकी पूजा होते हुए देखा है। तो साधु के जीवन में दो अवस्था होती है, साधक की अवस्था और सिद्ध अवस्था। तो जिन्होंने साधक की अवस्था नहीं देखी है वो सिद्ध अवस्था में आश्चर्य करते हैं कि इतनी इनकी पूजा क्यों हो रही है। तो ऐसे एक बार नाम लेने से उसका महानता का वर्णन क्यों शास्त्र कर रहा है? कोई भी जाति में जन्म लिया हो, चंडाल हो, कुछ भी हो, परंतु उसने पहले कई जन्मों में बहुत ज्यादा तप किया है, यज्ञ किया है, तब ये महान उसके मुख से, जवान से राम नाम निकल रहा है, गोविंद कृष्ण नाम निकल रहा है। तो ये बात ऐसे और श्रद्धालु नास्तिकों को कहना चाहिए कि ये बहुत जन्मों के तपस्या से ये संभव है, एक जन्म जन्म का काम नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति अगर जज के कुर्सी पे बैठा है तो समझ, जब कोई वकील है तो समझना चाहिए कि इसने पहले 10वीं पास की होगी, बीए किया होगा, तभी तो ये पद इसको मिला है। ऐसे एक दिन में तो नहीं कोई बन गया होगा। तो उसकी जो पहले सारी तैयारी है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, ये बात की जाती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देके कहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने सब परीक्षाएं पहले पास कर ली हैं, तब उसके मुख से अब निकल रहा है, प्रभुपाद ने पूरा मंत्र लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझना चाहिए कि नाम लेने वाले ने अपराध से रहित नाम लेने के, अब प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, अब ये विचार मत करो कि तीन नाम लेने में तीन अवस्थाएं होती है, अपराध के साथ नाम, नाम की महिमा का पता नहीं होना, नाम अभास, और शुद्ध पवित्र नाम। ये नहीं कहते हैं कि शुद्ध पवित्र नाम ले रहा है, तीनों अवस्थाओं का चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। नाम जप रहा है ये अपने आप में प्रमाण है, प्रूफ है कि इसने ये सब ग्रेजुएशन पहले कर लिए। शुद्ध नाम जपे तो क्या बात है, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, एक नाम लिखा है राम कृष्ण, कुछ भी कहो, एक एक बार कहो, वो भी अपने आप में परिपूर्ण है, सफिशिएंट है, एक बार, दो तीन नहीं, एक। अब आप कहते हैं हम तो कई बार एक बार नाम लिया, लेकिन भगवान का नहीं समझ के लिया है तो भी लाभ हो जाएगा, लेकिन लो तो सही लेकिन निकलेगा नहीं, आपको बता दो ये बहुत आसान नहीं है। एक पुरानी कथा हम बताते थे, आजकल ये सब इसके बीच में कथाएं याद आती है। एक महात्मा, एक बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था जो भी था वो भक्ति के नाम में नहीं आता था। वो उसको अगर कहता था कि हरि का नाम लो तो वो उसको पत्थर मारता था कि हमारे पास मत लो, जाओ भागो यहां से, क्या करेगा तुम्हारा भगवान, क्या दिया है उसने। इसने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी इसके मुख से एक बार हरि का नाम निकल जाए इसका कल्याण होना चाहिए। तो उसने किसी महात्मा को कहा कि आप किसी तरीके से इसके मुख से राम का एक बार हरि नाम तो निकालो। महात्मा ने क्या किया, ठेला लगाया हरी मिर्ची का और उसके घर के सामने खड़ा हो गया। वो बाहर आया, क्या है, बोला देख रही हो क्या है, बोला दे दो, क्या दे दूं, नाम लो, बोला क्या नाम लो, ये हरी मिर्ची है ना, बस, बोला ठीक है तुमने हरी बोल दिया है। अब एक मेरी बात याद रखो, इस हरी के बदले तुम्हें कुछ भी दुनिया में मिले मत लेना। इसने जाके बोला आपके भाई ने एक बार हरी मिर्ची कह दिया है, हरी का नाम ले लिया। समय आया, जमदूत लेने आए, मरने का समय आया, जमराज के पास, जमराज ने बोला तुमने कब, तुम तो बड़े पापी हो, अपराधी हो, भगवान के भक्तों के साथ लड़ाई करते थे, परंतु एक बार तुमने हरी मिर्ची में हरी का नाम लिया, उसके बदले में तुम्हें क्या फल चाहिए वो ले लो, फिर तुम्हारे को नरक में डालेंगे। उसने बोला मुझे याद है महाराज ने कहा था हरी के बदले कुछ मत लेना,
पर हरि के बदले में क्या दे सकते हैं इसको, मुझे तो पता नहीं है, यमराज कहता है। बस चलते हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चाहे ब्रह्मा जी को कहा कि है तो पापी लेकिन एक बार हरि कहिए वो भी मिर्ची के साथ, तो क्या करें। बोला हरि के बदले में क्या दे सकते हैं, मुझे भी मालूम नहीं है, शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास पहुंच गए, भोलेनाथ के ने कहा कि हरि के नाम के बदले में हरि ही बता सकता है, हम क्या बताएं। चले गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास यमराज ब्रह्मा और शंकर जी इसको पकड़ के ले गए और कहा भगवान देखो इसने एक बार वो भी मिर्ची के बहाने हरि का नाम लिया है, अब इसके बदले में कुछ ले नहीं रहा है, बताइए बताइए इसके बदले में इसको क्या दें, इसको दंड देना है, बड़ा अपराधी है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं कि हरि के नाम का फल है हरि की प्राप्ति, ये मेरे पास आ गया, अब इसको यहीं छोड़िए, आप जाके अपना काम कीजिए, जिसका जो जो काम है उसी को अपने स्थान पे जाइए। इसने कहा महाराज आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, हरि मुझे मिल गया, अब मिर्ची आप ले जाइए। तो ये हरि का नाम एक बार लेने वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, जाने अनजाने में निकल जाए अगर नाम भगवान का। ये लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तो फिर जो 24 घंटे नाम जप रहे हैं उनका उनकी उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं तुभ्यम शब्द का अर्थ है भगवान आपका, आपको प्रसन्न करने के लिए। अब प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से कहते हैं कि तुभ्यम वो भगवान को कह रही है, सामने भगवान बैठा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का भी नाम लो और आपको भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी देवता का नाम लेने से भगवान नहीं मिलेगा, तब गीता का श्लोक याद करना चाहिए, यान्ति देवर्तान देवान पितृ यान्ति पितृवर्ता भूतान यान्ति भूतेज्या मज्याजिनोपि माम, पितृ की पूजा करने वाला पितृलोक में, देव की पूजा करने वाला देवलोक में, भूत की पूजा करने वाला भूत लोक में, मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आएगा। तो ये सावधान होना चाहिए, और प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं भगवान के नाम को किसी देवी देवता के नाम के समान समझना पाखंड है, उसको पाखंडी कहा जाता है। आप मानो के एक 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 दारोगे को एक कमिश्नर के बराबर कहो, पुलिस कमिश्नर और दारोगा बराबर है, तो ये अपराध हो जाएगा, और इसको अपराध ही माना जाता है। भगवान का नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिया जाता है, ये समझना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं क्यों जप कर रहे हो, कृष्ण प्रीति अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जपना चाहिए, न के इंद्रिय तृप्ति के लिए, और न इंद्रिय तृप्ति के लिए, और न ही आजीविका के लिए। आजीविका के लिए हम इसलिए कहते हैं मंदिरों के बाहर बहुत से लोग बैठे होते हैं, और हम जाते हैं तो कहते हैं हरे कृष्णा, कहते हैं हरि बोल, लेकिन कहते हैं रुपया दो, तो नाम जपते हैं लेकिन उनका उद्देश्य जो है धन अर्जन करना है, भगवान को पाना पर प्रसन्न करना नहीं है। तब एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, भक्ति के परिभाषा में अनुकूल ये ना, अनुकूल ये ना कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से लेना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए लेना चाहिए। भगवान के नाम के ऊपर दुकानदारी करने वाले का ये मेहमा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम रोज देख रहे हैं और जप भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जप रहे, बड़े बड़े कलाकार देखे हैं, नाम वाले गाते हैं हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, कोई गाता नहीं है, सामने वाला नाचता नहीं है। अरे हमारा भक्त गांव का दो खरताल लेके कहीं गाना लग जाता है, लोग नाचने लग जाते हैं, कोई सुर नहीं है ताल नहीं है फिर भी लोग नाचते क्यों। वो जो बड़ा कलाकार गा रहा है पैसा कमाने के लिए गा रहा है, अपने नाम के लिए गा रहा है, भगवान के नाम के लिए नहीं गा रहा है। और जो ये भक्त गा रहा है ये भगवान की सेवा के लिए गा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, इसलिए उसके साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं।
तो ये प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, दो बातें हैं भगवान के नाम लेने में, न तो इंद्रिय तृप्ति का भाव हो और न ही धन आदि अर्जन करने का उद्देश्य हो, इनाम के बल के ऊपर ये अपराध हो जाएगा। और शुद्ध मानसिकता से भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर चाहे वो कोई चंडाल के घर में जन्म लिया है तो भी पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा अपने आप में, इसको कहते हैं प्रमेय बल, ये नाम का बल है, हमारा जपने वाले की शक्ति नहीं है, नाम की शक्ति है। अच्छा, नाम साक्षात भगवान है, नाम प्रभु है, नाम को प्रभु कहते हैं, और वो प्रसन्न होगा तभी अपनी शक्ति को दिखाएगा। ऐसे मशीन की तरह लेते रहेंगे तो नहीं, अपना प्रभाव दिखाएगा जब प्रसन्न होगा, इसलिए उसको प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाम प्रभु, इस पतित अधम के ऊपर कृपा करके, अब जीभा के ऊपर प्रकट हुए हो तो हृदय में भी प्रकट हो जाओ, ये जन्म आपके सेवा में समर्पित करता हूं, ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए नाम को। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर 300,000 नाम जो रोज जपते थे, 22 घंटे जप करते थे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाम आचार्य की उपाधि दी, जन्म तो एक मुसलमान के घर में हुआ था, काजी ने तो कई जगह पे कोड़े लगवाए 24 बाजारों के बीच में, लेकिन भगवान के नाम को जपना नहीं छोड़ा। अद्वैत आचार्य जो साक्षात भगवान सदाशिव है और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है, दोनों ने उसको स्वीकार किया, अपने घर में ब्राह्मणों की तरह भोजन कराया, अद्वैत आचार्य ने अपने श्राद्ध का भोजन भी हरिदास ठाकुर को कराया। तो यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि नाम जपने वाले को भगवान स्वयं स्वीकृत करते हैं महान आचार्य के रूप में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अब प्रभुपद के जो स्मार्त ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणों में जाती है वो केवल छूतछात करने वाली है, वो केवल पूजा पाठ छूतछात यही करने वाली है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं आप अभी नाम जपो, लेकिन दूसरे जन्म में ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो। परंतु यहां देखने में आ रहा है कि भगवान के भक्ति शक्तिशाली है और भक्ति में भी भगवान का नाम मुख्य है, वो बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए इस भक्त को कोई भी शुद्धिकरण की विधि की आवश्यकता नहीं है। जुहुआ शब्द जो है उसका मतलब अर्थ है सारे यज्ञ कर लिए, और संशु का अर्थ है सारे पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया, और आर्य का मतलब है सभ्य वेदों के मार्ग में चलने वाला, वो सब उसमें लक्षण है। भगवद गीता में आर्य शब्द भगवान ने अर्जुन को कहा है, आप आर्य हो, आप में अनार्य जैसे ऐसा विचार क्यों आया है। प्रभुपाद लिखते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है अथवा हरि का नाम जप रहा है वो तो आर्यों में उत्तम है, और अनुचय का मतलब है वो वेद के उच्चारण करके, हमने जैसे प्रभुपाद लिखता है वो गुरु होने का अधिकारी है, और ग्रंथि ग्रंथि जो शब्द इसमें है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के मुख से नाम निकलता है जिसने पहले सब सिद्धियां प्राप्त कर ली। फिर प्रभुपाद जी हाईकोर्ट जज की बात करते हैं कि वो अगर न्याय दे रहा है इसका मतलब उसने वकालत तो की होगी, या आने वाले जो वकालत पढ़ेंगे उन सब के काम उसने पहले कर चुका है, इसलिए उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो इस स्तर का स्थान के ऊपर बैठा है। बहुत शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहां भगवत नाम से भगवत प्राप्ति होना बहुत से लोगों के लिए संभव हो गई। अब माता की प्रार्थना की पूर्णाहुति के श्लोक को पढ़ते हैं।
तम त्वाम अहम ब्रह्म परम पुंसांसम प्रत्येक श्रोतस्य आत्मनि संविभावयम् स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम् वंदे विष्णुं कपिलं वेदग्रभम् वंदे विष्णु कपिलं वेदगर्भम्। माता जी कहती है मैं तो हूं स्त्री, अति इतनी उत्तम अलंकार युक्त प्रार्थना स्तुति करना आती नहीं है मुझे, बस वंदे वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कपिल जो साक्षात आप ही विष्णु हैं और आप वेद का गर्भ है, वेद आपके उधर में समाया हुआ है, आप वेद देने वाले हैं। अब क्या कर सकते हैं आप? तम त्वाम अहम, मैं आपकी वंदना करती हूँ हे कपिल विष्णु, हे वेद गर्भ, आप ही ब्रह्म हैं। जिसको ज्ञानी ब्रह्म करके मानते हैं वो आप ही हैं। परम पुंशानम और परम आप हैं। परम, परम का मतलब महान, परम पुरुष भगवान आप हैं। बोला पता कैसे लगेगा लोगों को मेरा, कैसे मेरे को जानेंगे? बोला प्रत्येक श्रोतस्य आत्मनि, प्रत्येक श्रोतस्य, प्रत्येक श्रोतस्य इसका मतलब अंतर्मुख होना। बाहर के प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे कि जो योग में प्रतिहार है, यम नेम आसन प्राणायाम, आठ अंग योग के है, यम नेम आसन प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठ हो गए। तो जो प्रतिहार है वो शब्द है या प्रतीक। प्रतिहार का मतलब बाहर वृत्ति को, बाहर इंद्रियों से हटाकर स्रोतस्य अंदर मन के ओर ले आना, वृत्तियों को बाहर से हटा के अंदर लाना, इसको बोलते हैं अंतर्मुख होना। जो अंतर्मुख होते हैं आत्मनि, अंतर्मुख होते हैं मन के, अंतर्मुख मन के तरफ जाते हैं, बाहर नहीं, वृत्तियों को बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं। सम्यक विभावयम, पूर्ण रूप से आपकी अनुभूति कर लेते हैं, आपका ध्यान करते हैं और आपका अनुभूति कर लेते हैं, उनके ऊपर आप कृपा कैसे करते हैं? स्वतेज सा, आपके तेज से आप उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो क्या होता है? ध्वस्त गुण प्रवाह, प्रकृति के तीनों गुणों का जो प्रभाव है और प्रवाह है उनके लिए समाप्त हो जाता है। तो प्रकृति का तीन गुण समाप्त होता है, उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो इस श्लोक के भाव को पहले अपन देखते हैं श्रीधर स्वामी के भाव से। श्रीधर स्वामी लिखते हैं तम त्वाम अहम ब्रह्म परम पुंसांसम, इस प्रकार के आप ही, इस प्रकार के आप ही ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं, वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके आपका ही अंतःकरण में चिंतन किया जाता है। अंतःकरण का मतलब है अंदर की इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, जो ध्यान के लिए मन मुख्य है। अंतर्मुख का मतलब बाहर के व्यापार को खत्म करके अंदर में मन को लाना। आप अपने तेज से ही गुणों के प्रभाव को शांत कर देते हैं, आपके उदर में संपूर्ण वेद विद्यमान है, ऐसे कपिल रूपधारी भगवान विष्णु आपको मैं प्रणाम करती हूं। ये जो शब्द है प्रत्येक श्रोतो अस्य आत्मनि संभाव्यायम, इसका अर्थ है वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके। वृत्तियां मन की होती हैं जो बाहर जाती हैं, मन की वृत्तियों को, वैसे वृत्ति शब्द ऐसे कहते हैं भाई ये किस वृत्ति से जीता है, इसका मतलब कोई नौकरी करके जीता है, ये नौकरी वृत्ति से जीता है, ये खेती की वृत्ति से जीता है,
ऐसे वृत्ति का एक अर्थ है कि बाहर इंद्रियों के द्वारा काम किए जाते हैं, उसको वृत्तियां कहते हैं। तो ये वृत्तियों को रोक कर बाहर से, अंदर अंतर जो कर लेता है, वेद गर्भ का अर्थ है आपके ही उदर में संपूर्ण वेद विद्यमान है। आप श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें थोड़ा भाव और अच्छा दिया है, एक वो ये दिया है, मैं मानती हूं ये मेरे नाथ आप ही विष्णु हैं, कपिल के नाम से प्रकट हुए हैं, आप ही परम पुरुष भगवान और ब्रह्म हैं। साधु संत महात्मा जिन्होंने इंद्रियों और मन को वश में करके अंतर्मुखी हो गए हैं, आपका ध्यान करते हैं, उनके ऊपर कृपा करके आपने प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव उनके लिए समाप्त कर दिया है। और प्रिय समय आपके ही गर्भ में वेद विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान कपिल को मैं प्रणाम करती हूं। भगवान कपिल को मैं प्रणाम करती हूं जो विष्णु है, ब्रह्म है, परम पुरुष है, और भौतिक गुणों के प्रभाव को संसार में प्रकट होकर समाप्त करने वाला है, वेदों का आधार है, वही हमारे ध्यान का अंतर्मुख होकर लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा भाव है चक्रवर्तीपाद का। चक्रवर्तीपाद ने इसके ऊपर नहीं, हाँ दो ही शब्द लिखे हैं, मैं स्त्री हूं, इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए मैं अति लंबी स्तुति नहीं कर सकती, मैं केवल प्रणाम करती हूं। प्रत्येक श्रोश्री का मतलब है अंतर्मुख मन करना, बाहर के इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटाकर, इंद्रियों के विषय से मन को हटाकर हृदय में परमात्मा के ऊपर केंद्रित करने को कहते हैं प्रत्येक श्रोतसी। प्रभुपाद लिखते हैं देवहूति माता अपनी प्रार्थना को लंबा करने के बजाय, बढ़ाने के बजाय संक्षेप में कहती है कि आप ही साक्षात विष्णु हो कपिल, मैं स्त्री हूं, मेरे लिए इतना बड़ा विस्तार से स्तुति करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसका भाव यह है कि आप मुझसे संतुष्ट हो जाइए। प्रत्येक का मतलब है योग में जो प्रतिहार है वही इसका अर्थ है, इंद्रियों के विषयों में भ्रमण को रोकना, मन बाहर नहीं जाए। कैसे मन जाता है, अब है कुछ भी नहीं, बैठे आपके साथ कथा कर रहे हैं लेकिन मन यहां से बाहर बांके बिहारी के, आज गया नहीं हूं मैं, आज नहीं, मैं सालों से नहीं गया हूं, लेकिन मुझे मालूम है वहां आलू की टिक्कियां बनाने वाला बाहर बैठा है, तई के ऊपर घी डालता है, आलू की टिक्की डालता है और उसमें से खुशबू आती है, लोग बांके बिहारी के अंदर दर्शन नहीं करने जाते हैं, वहां आलू की टिक्की बैठ के खाते हैं, ये देखा गया है। तो यहां बैठे बैठे ऐसा विचार आएगा कि वहां खाने जाऊं, ये इंद्रियों की वृत्ति बाहर जाना, उसको रोकना है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं देवहूति माता की जो अनुभूति है, ऐसी अनुभूति करने के लिए इंद्रियों को विषयों से वापस लौटा के लाना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, और उसके लिए सरल साधन है भगवान की भक्ति, जिसमें इंद्रियों को रोका नहीं जाता है, जिसमें इंद्रियों की वृत्तियों को बाहर जाने के बजाय भगवान की सेवा में लगाई जाती है। रोकना इंद्रियों को नकारात्मक है, वो लंबे समय तक चल नहीं सकता, परंतु इंद्रियों को सकारात्मक सेवा में लगाना ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो भक्ति नेचुरल है, ये जीव का स्वरूप ही है। ऐसे जो कृष्ण भावना में अपने सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाएगा, जीभा से नाम लेगा, कान से कथा सुनेगा,
जीभा से प्रसाद चखेगा, नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध सूंघेगा, त्वचा से भक्तों के चरणों का स्पर्श करेगा, पांव से तीर्थ यात्रा करेगा, ऐसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा। अब मैत्रेय कहते हैं इस प्रकार ईडितो भगवान एवं, ईडितो का मतलब स्तुत्य प्रार्थना पूजा, जैसे मान है इतने सुंदर शब्दों से केवल 6 श्लोकों में या 7 श्लोकों में कपिल देव की जो स्तुति की उससे भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। कपिलाख्याम परपुमान, वो जो महान भगवान कपिल है, वाच्य विकल व्यत्य मात्रम मात्र वत्सल, मात्र वत्सल, माँ से स्नेह करने वाले भगवान कपिल देव बड़ी गंभीर वाणी में माता को उत्तर देने लगे। क्या कहते हैं कपिल देव? कह रहे हैं मार्गेणाने न मातस्ते सुसेव्यो उदिते न मे सुसेव्यो, सुसेव्य का मतलब आसान है, जिसको आसानी से सुसुख से ये सेवन आप मेरी माँ जो मैंने आपको रास्ता बताया, मार्गेण अनेन माता, माता जो मैंने आपको मार्ग बताया रास्ता बताया, ये भक्ति युक्त सांख्य का ये बहुत सुख से आप कर सकती हो। इतेन मे आस्तितेन परम काष्ठम, और आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। कितना समय लगेगा बेटा? अचिराद, अभी की अभी, तत्काल हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। अवरो अवरो तस्यसी, और आप मुझे प्राप्त कर लोगी, ये बहुत सरल मार्ग है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भक्ति का मार्ग है जो बहुत सरल है, जो मैंने आपको बताया, जिसको सुख पूर्वक कर सकते हो। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय भगवद गीता में है। ये जो भक्ति है ये राज विद्या राज गोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये 9वें अध्याय का 2वां ही श्लोक है। तो ये सुसुख से हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है, और तत्काल तुरंत बहुत जल्दी परम लक्ष्य प्रेम को प्राप्त करके मेरे पास आ सकती हो माता जी। क्या मर के आओगी? नहीं नहीं, जीते जी लिखे है, जीते जी। अब एक सावधानी का श्लोक कपिल देव कह रहे हैं, शरदस्त्वये शरदस्वैतम मा मतम मध्यमयम जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः, मेरे इस मार्ग को जो मैंने बताया है, जो मेरा ये भक्ति युक्त सांख्य मार्ग है, इसमें ब्रह्मवादी ही इसका जो पालन करेंगे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेंगे। ये नमाम अभयम यया मृत्यु मृच्छति एतद् विदु, जो इसका पालन नहीं करेंगे, इसका अवहेलना करेंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहेंगे। ऐसे भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मेरा मत मानव मात्र के लिए है। श्रद्धावान श्रद्धा से जो इसका पालन करेगा, अनुसूयस जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा, मेरे को प्राप्त करेगा, जीते जी। और फिर इसको उस उधर भी लिखा है, जो इसके ऊपर नहीं चलेगा श्रद्धा नहीं करेगा वो विनाश हो जाएगा। और यहाँ कपिल देव भी ऐसे कहते हैं, और यहाँ हमारा ये प्रसंग पूरा होता है। कपिल देव को माता देवो की प्रार्थना देवोती की, कल 4वें स्कंद में मेरे ख्याल में 2-3 ही प्रार्थनाएं मैंने देखा है। अत्रि ऋषि भगवान जगदीश का उपासना करते हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के प्रकट होने के ऊपर उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल अत्रि ऋषि की भगवान जगदीश्वर को जो प्रार्थना है उसका 4वें स्कंद के 1वें अध्याय में ही है ये प्रार्थना है, इसका कल श्रवण करेंगे। आज आप कथा को विराम देते हैं। इसके ये श्लोक जो है, जीवाग्रे नाम तुभ्यम, प्रभुपाद जी बहुत बार इस श्लोक का उदाहरण देके बोलते थे, और इसी श्लोक के सिद्धांतों के आधार के ऊपर विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा देके पूजा प्रतिष्ठा और पूजा कराने में
यज्ञ आदि कराने में लगाया जा रहा है, और बहुत से भाग्यशाली अपने आप को शुद्ध करके गरीयम के स्थान के ऊपर, गुरु के स्थान के ऊपर, प्रवक्ता के ऊपर, प्रवचन करने वाले के वालों के स्थान के ऊपर की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, उस स्थान को प्राप्त कर चुकी है। ऐसे आज ही हम देख रहे थे हमारा भक्ति वैभव का कुछ यूरोप अमेरिका के भक्तों के लिए आज पहला दिन था बात करने का, तो देख रहा था कि अफ्रीका से घाना से वो एक घाना से भक्त जो नेग्रो श्री श्रीवास वो वेद के वर्णन करके भागवत के ऊपर बात बोल रहा था और पढ़ाएगा। अभी हमारे पास महाराज धीर दामोदर परम पूज्य पढ़ा रहे हैं भक्ति वेदांत को। तो ये उदाहरण हमारे सामने हैं, इसी भागवत के श्लोकों के आधार पे ऐसे महापुरुष इसी जन्म में भगवान के नाम लेते हुए इस स्थान को प्राप्त कर गए हैं। इसका अर्थ है कि कई जन्मों में उन्होंने निश्चित रूप से सारे साधन पूरे किए हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, एक सी नहीं हुई ये जो श्लोक अभी हमने सातवां पढ़ा ना? हाँ जी, जीवाग्रे वाला। हाँ जीवा, इसमें प्रभुपाद जी ने परपट में जो लाइन दी है कि वन डज नॉट इवन हैव टू चैंट द होली नेम एंड अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर, नेमली द ऑफेंसिव स्टेज, ऑफेंसलेस स्टेज एंड प्योर स्टेज, इफ द होली नेम इज साउंडेड ऑन द टिप ऑफ द टंग दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। तो हम लोग जैसे अटेंड करते हैं ये नाम ये सेशंस होते हैं, उसके अंदर हम उस टाइम तो यही बताया जाता है ना कि हमें नाम अपराध या नाम अभास से ऊपर उठ के शुद्ध नाम पे जाना है। यहाँ जो प्रसंग है वो है एक पाप योनि केवल नाम उच्चारण करने से पूजन्य होता है, ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान धाम जा रहा है। तो ये जो नाम जपना है ये है जैसे अनायास पहली बार अचानक किसी जबान से एक बार नाम निकले तो समझना चाहिए कि ये निश्चित रूप से पहले सब साधन कर चुका है, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो ये क्या है, ये साधन भक्ति या भाव भक्ति का स्थान की बात नहीं की जा रही है, ये बात कही जा रही है भगवान के नाम की अतुलनीय महिमा की। और जिसमें उदाहरण दिया जा रहा है पाप योनियों का उद्धार कैसे करके प्रारब्ध को इस जन्म में कैसे नाम नाश कर देता है, यही कहा जा रहा है प्रारब्ध नाश हो रहा है। हम जो साधन कर रहे हैं वो है प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए शुद्ध नाम जपना, यहां वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जैसे पहले जो भक्त आते थे उनको कहते थे केवल नाम जपो, तो नाम जपना शुरू कर देते, फिर आगे बढ़ते हैं तब उनको बाद में और समझाने की आवश्यकता है, लेकिन पहले जपना तो शुरू करें। तो ये जो पहले जपना शुरू करते हैं उनकी बात है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि कई लोग हैं जो नाम लेते ही नहीं है, ऐसे बहुत हैं जिनको कई बार कहो तो ले नहीं सकते हैं। जो लेते हैं कम से कम वो पूजन है इसको। तो इसको रूप गोस्वामी ने कहा है उपदेश अमृत में, एक बार जिसके मुख से कृष्ण नाम निकले उसका आदर करना चाहिए, मनसा आदरेत, उसका मन से आदर करना चाहिए। जिसने दीक्षा आदि ली है ध्यान पूर्वक नाम जप रहा है उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो शुद्ध नाम जप रहा है उनका संग प्राप्त करके और सानिध्य से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पहला वाला, ये पहले में आएगा, उसका मन से आदर करना चाहिए, वही बात कही जा रही है मुख्य रूप से। जी जी, क्लियर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, इसका अर्थ है जो भगवान का नाम एक बार कैसे भी लेते हैं उनका आदर करो, उनके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं तब ले रहा है, ये समझना चाहिए।
और प्रभुपाद जी ने जी ठीक कहा ठीक कि ऐसे जिसमें थोड़ी चंगारी दिखने में आए उसको थोड़ा हवा दो ताकि वो चंगारी बड़ी हो जाए, और जैसे वो आग हो जाएगी तो जो थोड़े बहुत दोष उसमें है वो सब उसमें जल जाएंगे और वो फिर कुंदन होके निकल आएगा। तो ऐसे जो कभी भाव एक नाम जपते दिख रहे हैं तो उनको आदर देके, उनको प्रसाद देके, उनको थोड़ा सा फैन करना चाहिए, हवा लगानी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, उनके प्रति सहानुभूति और आदर भाव होना चाहिए, ये मुख्य रूप से कहा जा रहा है। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो जब हम सादे नाम नाम से शुद्ध नाम की तरफ जाते हैं तब भी कोई यज्ञ पूजा तीर्थ यात्रा इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो नाम ही अपने आप को उस स्तर पे लाता है जहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि नाम आपको बाकी सारे वेदों के कर्म कांड से ऊपर ला चुका है, अब यहां से आगे आपको बढ़ना है जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो तीन अवस्थाएं लिखी है ना, अपराधी अवस्था, निरअपराधी अवस्था, शुद्ध अवस्था, इसको थोड़ा समझाएंगे क्या होती है ये तीन अवस्थाएं? देखो भगवान का नाम जपे, दो बातें आज आई थी हमने कही थी, प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का नाम जपे और इंद्रिय तृप्ति करे या धन अर्जन के लिए नाम जपे, या एक और भी आज की कथा में आया था भगवान के नाम को देवता के नाम के समान समझे, तो ये है नाम अपराध, ये नाम करते हुए अपराध, तीन आज आए थे, ऐसे 10 नाम अपराध हैं, जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, दूसरे भक्तों की निंदा करना, ये नाम अपराध है। नाम भी जपे और ये काम करें तो नाम अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाएगा, इसको कहते हैं नाम अपराध। और नाम अभास का मतलब है हमारे को नाम की शक्ति का पता नहीं है, हम नाम ले रहे हैं लेकिन किसका है वो क्या, जैसे हम दवाई जब लेते हैं डॉक्टर से लाके हमें मालूम नहीं होती है कि इस दवा में कितना पावर है और ये क्या करेगी, पर जैसे खाते हैं बीमारी चली जाती है, तो डॉक्टर दवा को जानता है हम जानते नहीं है, ऐसे नाम हम लेते हैं लेकिन नाम किसका है, क्या है, कितनी शक्ति है नहीं जानते, इसको नाम अभास कहते हैं। तो नाम अपराध से नाम अभास अच्छा है, और नाम अभास वाले को कम से कम अपराध के कारण जो भगवान का नाम प्रभाव नहीं दिखाता है, नाम अभास वाले को भगवान का नाम मुक्ति दे सकता है। नाम अभास का उदाहरण है अजामिल, नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, भगवान को नहीं बुला रहा था, लेकिन नारायण नाम भगवान का है, ये नाम अभास हो गया। और शुद्ध नाम है प्रेम से भगवान को, भगवान के प्रसन्न करने के लिए उसके चरणों में प्रीति हो उसके लिए जपना, जिसमें अपराध भी नहीं हो अभास नहीं हो, वो शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम जबान पे आने में बहुत समय लगता है लेकिन अभ्यास करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं, थैंक यू प्रभु जी। अरे बोल गौर भक्त वृंद।